आपने पेस्ट स्पेशल पहले यूज किया होगा, ठीक है जी। पेस्ट एज वैल्यूज, पेस्ट एज वैल्यूज क्या होता है अपना, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ इस जगह पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला जब हटाना होता है हमें, खाली इसकी जो दिख रहा है वो वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं। पेस्ट स्पेशल यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करता हूँ, और पेस्ट एज वैल्यूज ही हम लोग यूज करते हैं मोस्टली जब हमें फॉर्मूला हटाना होता है। बट इसमें एक चीज, एक प्रॉब्लम आती है पेस्ट एज वैल्यूज जब आप करते हैं। देखिए यहाँ पे एक डेट फॉर्मेट है, डेट लगी हुई है, पर यहाँ पे कुछ नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे जो फिगर्स है, हालांकि ये फॉर्मूले के थ्रू रेंडमली अपने आप चेंज हो रहे हैं हर वीक रिफ्रेश पे, बट प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो डॉट डबल जीरो करके जो कैरेक्टर्स थे वो चले गए, डेसिमल प्लेसेस में था वो भी चला गया। तो जब भी हम पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं तो क्या होता है कि फॉर्मेटिंग साथ में पेस्ट नहीं होती, खाली वैल्यू होती है, ठीक है जी। इसीलिए ये डेट हमारी जनरल फॉर्मेट में दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट या डेट फॉर्मेट दिखाता है और यहाँ पे जनरल फॉर्मेट दिखा रहा है, ठीक है जी। तो इससे बचने के लिए ये है क्या चीज एक्चुअली में, ये जो डबल डेसिमल पोजीशन करते हैं आप, या फिर डेट का फॉर्मेट होता है हमारा, या परसेंटेज लगाते हैं कहीं पे, तो हम इस डायलॉग बॉक्स को यूज करते हैं। फॉर्मेट सेल का जनरल नंबर करेंसी अकाउंटेंट इस तरह से फॉर्मेट होते हैं। तो जब भी पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं, इनको नंबर फॉर्मेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर टैब है, टैब के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं। तो जब भी हम पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं क्या होता है, नंबर फॉर्मेटिंग जो है वो लॉस्ट हो जाती है। तो अगर आपको इन फ्यूचर में नंबर फॉर्मेटिंग मेंटेन रखनी है और पेस्ट एज वैल्यूज का यूज करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल आप कॉपी कीजिए, राइट क्लिक जहां पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट स्पेशल, ये वैल्यूज की जगह वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट यूज कर लीजिए, ठीक है जी। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट तो मतलब आपकी वैल्यू तो पेस्ट ही होती है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला था, यहाँ तो पेस्ट एज वैल्यूज ने अपना काम किया, बट यहाँ पे डबल डेसिमल्स को मेंटेन रखा है और यहाँ पे डेट की फॉर्मेटिंग को मेंटेन रखा है, ठीक है जी। हालांकि पेस्ट स्पेशल होता क्या है, पेस्ट स्पेशल होता है जब आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं, नॉर्मल कॉपी करके जब आप पेस्ट करते हैं तो वो ऑल का काम करता है। पेस्ट स्पेशल में जब ऑल सेलेक्ट करते हैं तो ये सब कुछ ही पेस्ट करता है। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है, वैल्यूज होता है, फॉर्मेट्स होते हैं, जितने भी कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह अप्लाइड हैं वो है, कमेंट्स होते हैं, और वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन का मैं अभी बाद में जिक्र करूंगा। तो ये पार्ट्स होते हैं, इनमें से कुछ भी अगर स्पेशल हमें चाहिए होता है कि खाली वैल्यूज चाहिए, या हमें फॉर्मेट्स चाहिए, जैसे फॉर्मेट चाहिए कि क्या कलर आ रहा है, क्या फॉन्ट कलर होना चाहिए, तो अकेले फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो इसके जब पार्ट्स को हम पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं। इसी तरह से वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट एंड फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट है। तो एक चीज हमने सीखी, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट का यूज करेंगे वैल्यूज की जगह। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जैसे हम डेटा कॉपी पेस्ट करके ले जा रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें मान लीजिए कॉलम सेटिंग्स कुछ और है, वहां पे कुछ और है, तो ये दिक्कत हमेशा रहती है। जैसे यहाँ पे कॉलम सेटिंग कुछ और है, मैं दूसरे में लेके गया, यहाँ पे जब मैंने पेस्ट एज वैल्यूज तो कर दिया, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट तो कर दिया, बट यहाँ की कॉलम सेटिंग डिफरेंट है। तो कॉलम सेटिंग्स को भी हम पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा डाटा होता है तो बार बार हमें कॉलम आगे पीछे करके सेटिंग बार बार करनी पड़ती है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हम कॉलम विड्थ को सेपरेटली भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे, जो कॉलम सेटिंग यहाँ की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो कॉलम विड्थ हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सब कुछ पेस्ट करें बॉर्डर को छोड़ के। तो सब कुछ पेस्ट कर दिया, फॉर्मूला भी है, यहाँ पे जो बॉर्डर था ये बॉर्डर नहीं पेस्ट किया, ठीक है जी। ये अगला ऑप्शन है इसका। दूसरा इसमें होता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, सोर्स थीम हम यूज नहीं करते इसमें, इसका यूज हम करते हैं कहाँ, पावर पॉइंट में।
जहाँ पे हम थीम्स वगैरह यूज करते हैं, इस तरह की थीम्स होती है ना अलग अलग, तो सोर्स थीम के बेस पे कॉपी पेस्ट करता है उसको लेके, क्योंकि इनकी कॉलम्स फॉन्ट सेटिंग वगैरह डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसका यूज एक्सेल में नहीं होता, फिर भी मैं बता दिया इसके बारे में। ठीक है, तो हमने देखा वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट यूज करेंगे, कॉलम विड्थ भी यूज करेंगे। ठीक है जी, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जैसे मैंने ये वैल्यू पेस्ट कर दिया, मुझे फॉर्मेट चाहिए पूरा, तो इसके ऊपर ही मैं फॉर्मेट भी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, फॉर्मेट अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कमेंट डाला है, लाल लाल जो आपको दिखा रहा है लाल निशान, तो यहाँ कमेंट डाला है। कई बार क्या होता है, मैंने लंबी लंबी कमेंट्स लिखी है और खाली कमेंट ही पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, एरिया को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, और जहाँ पेस्ट करनी है वहां पेस्ट स्पेशल जाके अलग से कमेंट्स भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कमेंट्स आ गए। ठीक है जी, डाटा वैलिडेशन, वैलिडेशन है एक पॉइंट इसमें। वैलिडेशन क्या होता है कि जब हम किसी सेल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी चीज में, अब जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो एक ड्रॉप डाउन सी आ रही है ना, इस चीज को कहते हैं वैलिडेशन। तो जब मुझे वैलिडेशन पेस्ट करनी है, ये जो लिस्ट आ रही है इस लिस्ट में क्या वैल्यूज होनी चाहिए, मैं चूज कर रहा हूँ डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन, ये यहाँ से यूज होता है। ये लिस्ट में मैंने वैल्यूज दी है कि इस तरह की लिस्ट होनी चाहिए, इससे बाहर कोई वैल्यू एंटर नहीं होनी चाहिए। सपोज कीजिए मैं यहाँ 10 डालने की कोशिश करूँ तो नहीं दे रहा, मैं इसी लिस्ट में से चूज कर सकता हूँ कि कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो इस रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं वैलिडेशन। तो जब हमें वैलिडेशन पेस्ट करनी है, सपोज इन सेल्स पे करनी है, तो हम वैलिडेशन खाली पेस्ट कर सकते हैं। अब सबके आगे देखेंगे एक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इनको वैलिडेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो वैलिडेशन भी अलग से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा पेस्ट के बारे में। अब थोड़ा सा ऑपरेशन देखते हैं, इसके अंदर कुछ ऑपरेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन है कि मान लीजिए आपने एक सेल्स का डाटा है यहाँ पे, और आपने कोई लिस्ट टाइप करी, कोई मतलब कोई डाटा बनाया, तो बनाने के बाद आपने कहा कि यार इसमें लिस्ट में तो कोई गड़बड़, उसके सामने लिख दिया कि यहाँ इसमें 12 और होना था, इसमें 25 और होना था, इसमें 36 और होना था, इसमें 20 और होना था, ऐड होना था। ठीक है जी, तो मोस्टली क्या करते हैं इस केस में, मतलब ये इसमें ऐड होना था एक्चुअल सेल में, मोस्टली हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम यहाँ से रेफरेंस चूज करेंगे, प्लस करेंगे इसको और यहाँ से ड्रैग करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया जिसको जाके मैं क्या करूँगा, पेस्ट एज वैल्यूज कर दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है जी, जो करना चाह रहा था हो गया, बट अगर जब मुझे ये करना ही है, पेस्ट ही करना है, तो मेरे को ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको बस सिलेक्ट कीजिए। ठीक है जी, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में चले जाइए। यहाँ पे होता है ऑपरेशन, ये देखिए पेस्ट के ऑप्शन थे, यहाँ पेस्टिंग में कुछ ऑपरेशन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने ये जो कॉपी किया था डेटा, अगर मैं इसको ऐड चूज करके ओके करता हूँ तो ये डेटा इसके अंदर प्लस होने वाला है। जहां ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स का मतलब होता है जीरो, तो जीरो प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये इसमें प्लस करके दिखा देगा। ठीक है जी, प्लस तो कर दिया मैंने। अब यही देखते हैं कि बात आती है रिप्लेसमेंट की, मैं कहता हूँ नहीं नहीं यहाँ पे ऐड नहीं करना, ये रिप्लेस करनी है वैल्यू, इसकी जगह पे ये वैल्यू होनी चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक मतलब जो जानते हैं फॉर्मूला लगाना वो इस तरह से करेंगे कि अगर ये इक्वल टू जीरो हो तो क्या, ब्लैंक हो तो क्या करना है, ये वाला ले लेना है, उधर की वैल्यू ले लेनी है, अदरवाइज इस सेल की वैल्यू लेनी है। तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बस इसने काम उसमें किया। तो इसमें क्या है कि फिर मैं जाके कॉपी करके इसको पेस्ट एज वैल्यूज करूंगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लगाना अभी नहीं बता रहा आपको, मैं खाली आपको वो मैं आपको सिखाऊंगा बेस से, एक एक फॉर्मूला बताऊंगा। ये थोड़ा हार्ड था फॉर्मूला, आई होप कि आपको प्लस करना आता होगा, प्लस माइनस करना।
हाँ तो उसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं खाली एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करना पड़ता है। कंडीशन ये है कि मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला के जरिए अपना टास्क ओके किया, फिर कॉपी करके मैं पेस्ट एज वैल्यूज करूंगा तो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, पर इसमें दिमाग ज्यादा लगा मेरा और फॉर्मूला भी लगाना पड़ा मुझे। यही टास्क आप कहें कि मुझे पेस्ट स्पेशल से करना है तो मैं पेस्ट स्पेशल से कर सकता हूँ इस चीज को, ठीक है जी। सिंपल कॉपी करना है। अब देखिए मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लैंक वाली जो वैल्यूज है वो भी पेस्ट हो जाती है, ठीक है जी। ब्लैंक वाली वैल्यूज पेस्ट हो जाती है तो मेरा काम होता है गड़बड़, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अब मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि ये ब्लैंक ना पेस्ट करे और जिसमें वैल्यू है वो पेस्ट कर दे, मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है स्किप ब्लैंक्स का, ठीक है जी। तो जब मैं ओके करूंगा इसको तो क्या होगा, जिनमें वैल्यू होगी वही इसमें जाएगा, 20 का 20, 36 का 36, 25। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला नॉलेज की जरूरत है, ठीक है जी। काफी मतलब खाली कॉपी पेस्ट के जरिए आप कैसे काफी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं एक 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 कॉमन टास्क होता है हमारा कंपनी में, अगर आप सेल्स वगैरह की बात करें या किसी भी चीज में परसेंटेज निकालनी हो गई, ठीक है जी। अभी इसमें मैंने क्या कर रखा है कि कुछ बंदे हैं जिनकी सेल्स इतनी है और इनकी अचीवमेंट परसेंटेज निकालनी है मैंने, अभी मैं हटा देता हूँ, जबकि टारगेट मेरा 200 है सबके लिए अभी फिलहाल। मैं क्या करूंगा इसके लिए, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं फॉर्मूले से लगाऊं तो थोड़ा सा फिर से कॉम्प्लिकेटेड है। इसको डिवाइडेड बाय 200, इसको ये किया ड्रैग किया, आपके में डायरेक्ट परसेंटेज नहीं आएगा, और मुझे इसमें हाँ इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, लॉक भी करना पड़ेगा, मुझे डॉलर कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए इसको लगाने के लिए, तो मेरा काम करेगा। और क्या करना होता है कि आपके में डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिखाता है, ये परसेंटेज यहाँ से दबाएंगे तब परसेंटेज मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब मुझे फॉर्मूला नॉलेज होनी जरूरी है इसके लिए, ठीक है। बट अब यही काम मैं पेस्ट स्पेशल से करवा सकता हूँ और जहाँ मुझे नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या कहूँगा, ये सेल्स पार्ट को यहाँ अचीवमेंट वाले में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। पेस्ट कर दिया मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, ये टारगेट को मैंने कॉपी किया। तो जब हम ऐड कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो पेस्ट स्पेशल में गए, 200 को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड, ठीक है जी। देन मैंने क्या दबाना, परसेंटेज का साइन, तो मेरा काम हो गया, ठीक है जी। वही काम पेस्ट स्पेशल से विदाउट फॉर्मूला नॉलेज, ठीक है जी। देन प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अपना जो टारगेट है हर एक बंदे का अलग ही अलग होता है, कोई एक्सपीरियंस है कोई कुछ है तो कोई कुछ है, बड़े बड़े आदमी होते हैं उसमें अलग अलग तरह के, तो टारगेट भी डेफिनेट सी बात है अलग अलग होगा। अब इस केस में क्या करना है, आप पूरी टारगेट की रेंज को कॉपी कर लीजिए, ठीक है जी। अभी भी वो करने वाला है डिवाइड, तो मैं अचीवमेंट परसेंटेज में मैं क्या करता हूँ, पहले सेल्स को पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, टारगेट को कॉपी किया, यहाँ सिलेक्ट किया मैंने। हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अचीवमेंट और टारगेट ये दोनों रेंज समानांतर होनी चाहिए, जब आप मल्टीपल के साथ वैल्यूज के साथ कर रहे हैं तो ये दोनों समानांतर होनी चाहिए, मतलब 10 इसमें है तो 10 इसमें भी होनी चाहिए, तभी वर्क करेगा ये। तो मैंने इसको अचीवमेंट, पहले टारगेट को कॉपी किया, अचीवमेंट परसेंटेज वाले को मैंने सिलेक्ट किया, मतलब कहने का ये है कि जैसे टारगेट है, मान लीजिए टारगेट मैंने 11 का देके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ वैल्यू 10 है, तो एक वैल्यू फॉल्स हो जाएगी ना, उस केस में वर्क नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ अगर मैंने 10 सेल कॉपी की है तो जिन पे मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ वो भी 10 ही होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने सिलेक्ट किया, टारगेट को कॉपी किया हुआ है, पेस्ट स्पेशल में गया और देन डिवाइड, ठीक है जी, ओके, और परसेंटेज। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो 240 है वो डिवाइड हुआ 47 से, 181 हुआ 62 से, 184 हुआ 73 से, मतलब हर हर एक जो है अपने सामने सामने वाली सेल से डिवाइड हुआ है, ठीक है जी। इस केस में क्या हुआ था कि ये 200 मैंने कॉपी किया था खाली और इसको पूरे पे पेस्ट किया था,
तो क्या हुआ 200 सबसे डिवाइड हुआ था इनसे। इस केस में क्या हुआ कि मैंने इसको पूरे को कॉपी किया था और इसको सिलेक्ट करके जब मैंने पेस्ट स्पेशल में जब ये डिवाइड क्लिक करके ओके कर दिया था तो क्या हुआ ये 240 47 से डिवाइड हुआ, 181 62 से हुआ, 173 से मतलब 183 से हुआ। तो ये अपने सामने सामने वाली सेल में डिवाइड हुए। ठीक है जी, समझ आया इसका? तो इसी तरह से खाली सामने सामने में ही नहीं, अब देखिए 3 दिन की सेल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे 3 डेज की सेल्स है, 3 डेज की अचीवमेंट है। तो मैंने क्या किया, यहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दी, और इसी तरह से 3 दिन के टारगेट भी। तो अब जब मैं कॉपी पेस्ट करके वो डिवाइड वाला ऑप्शन करूंगा तो क्या होगा, 247 डिवाइड होगा इस 203 से, 21 डिवाइड होगा 213 से, 37 डिवाइड होगा 230 से, इसी तरह से 152 62 से, 24 जो है 248 से, और 30 187 से। मतलब ये अपने सामने सामने समानांतर एक इक्वल रेशियो में ये डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, ये किया, हाँ मैं दिखा रहा हूं। तो मैंने ये कॉपी किया यहाँ पे और इसमें यहाँ इफेक्टिव एरिया जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल डिवाइड पे क्लिक किया, ओके कर दिया, एंड देन परसेंटेज। ठीक है जी, तो ये अपने जो मतलब जो टारगेट जिसके लिए था वो उसी से ही डिवाइड हुआ है। जैसे अगर आप डाटा को देखें तो 3 दिन की सेल्स है, हर एक बंदे की अलग अलग सेल्स है। ठीक है जी, इसी तरह 3 अचीवमेंट परसेंटेज है, अलग अलग परसेंटेज है 3 दिनों के लिए, इसी तरह 3 दिन के टारगेट है। ठीक है जी, तो हर कोई टारगेट जो है अपनी सेल से ही डिवाइड होकर अचीवमेंट निकाल लिए होंगे। ठीक है जी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे काम इसी तरह से फाइनेंशियल डेटा बनता है कंपनीज में, तो मतलब आप ये फॉर्मूला लगाते सोचते सोचते थक जाएंगे। ठीक है जी, पर इससे काम क्या होता है, फटाफट हो जाता है। फाइनेंशियल डेटा की बात करी मैंने तो उसमें एक चीज दिखाता हूं आपको। कई बार क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है और यहाँ मैंने क्या किया, एक सम का फॉर्मूला लगा दिया। मान लीजिए मेरी ईयरली सेल निकाल ली मैंने, ठीक है, और यहाँ से मैंने ट्रैक कर दिया सबका ही सम है। और मुझे यहाँ पे एक काम करना है, क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने देना है वैल्यू इन करोड़। ठीक है जी, करोड़ की स्पेलिंग पे गौर मत कीजिए, मुझे पता नहीं भूल गया आपको क्या। ठीक है जी, वैल्यू इन करोड़ निकालनी है। अब इसको कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है जी, इसके लिए तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा सबसे। तो डिवाइड करना है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल वाला। 1 करोड़ कहीं भी लिख लीजिए, कॉपी कीजिए उसको और इस सब पे जाके क्या कर दीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, आ गया पॉइंट्स में 6 करोड़, 4.3 करोड़, इस तरह से तुरंत फाइनेंशियल डेटा मैनेज हो गया। ठीक है जी, चलिए ये तो कर सकते हैं हम, ये तो फिर भी था। पर एक ऐसी चीज जो हमेशा दिक्कत देने वाली है, क्या जैसे ये खाली मुझे क्या करना है ना, ये टोटल में ही करना है, टोटल को सिर्फ दिखाना है ऐसे में करोड़ में, बाकी सब की जो वैल्यू वो एज इट इज रहेगी, और ये जो टोटल की है ये पॉइंट में हो जानी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो भी फॉर्मूला लगाया है उसको डिवाइड बाय 1 करोड़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो भी पंगा है क्योंकि फॉर्मूला भी अलग अलग हो सकता है हर जगह। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस कॉपी करना है। अब बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो जब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके डिवाइड करूंगा सेम चीज, तो क्या करेगा ये, इस फॉर्मूले के अंदर अपना फॉर्मूला फिट कर लेगा। ये देखिए, पहले सम का फॉर्मूला था, अब क्या लग गया, डिवाइड बाय 1 करोड़ और लग गया हर एक फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला अपने आप ही अमेंड हो गया। ठीक है सर, तो ये आप अपना इसमें मतलब बहुत आपके काम की चीज है, मिनटों में या कहें कि सेकंडों में आपका बहुत काम इससे सॉर्ट आउट हो जाता है।
एक और चीज देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये डेटा है, अब ये रोज है, रोज में है, मतलब इस तरह से मैं चाहता हूं कि ये लेटा हुआ डेटा आना चाहिए, मतलब सेल्स यहाँ होने चाहिए, नेम यहाँ होने चाहिए, इस तरह से मैं क्या करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और ट्रांसपोज पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो नेम मेरा इस तरह से आ गया रो में और सेल्स उसके नीचे, ठीक है जी। तो डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, ठीक है जी। इसी को मैं वापस कॉपी करके दोबारा से ट्रांसपोज कर देता हूँ पेस्ट स्पेशल में, तो ये वापस उसमें आ गया, ठीक है जी, ट्रांसपोज का ऑप्शन हो गया। अब एक चीज करते हैं, कई बार क्या करना होता है, हमें लिंकिंग करनी होती है डेटा की, कि मतलब इसमें कोई चेंज हो तो हम जहां पे हमने इसको कर रखा है लिंक, वहां हमें तुरंत चेंजेस दिखा दे, ठीक है जी। तो लिंकिंग के लिए क्या करते हैं, मोस्टली कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करते हैं उसके लिए, इक्वल टू दबाते हैं और फिर उसको सेल को सिलेक्ट कर देते हैं फर्स्ट वाली को, और देन उसे ड्रैग करते हैं। इसमें मैं आ गया, यहां तक ड्रैग किया मैंने पकड़ के, तो ये आ गया, और यहाँ तो जहां तक डेटा है उसने तो डेटा ले लिया, पर जहां डेटा नहीं है वहां जीरो ले लिया। कहने का मतलब ये है मेरे कि जो ड्रैग वाला सिस्टम जब भी फॉलो करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितना ड्रैग करना है। बट इस केस में क्या करना पड़ता है, मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ, आप बस जितना डेटा लिंक करना चाहते हैं उसको उठा लीजिए और कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल कीजिए, पेस्ट लिंक कर दीजिए, ठीक है जी। तो उतना डेटा आपका लिंक के रूप में हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया प्रदीप मैंने पहले, तो यहाँ पे भी आपको चेंजिंग दिख जाएगी, पर आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग लॉस्ट है। मैं कहता हूँ कि पूरी फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं हमको, तो हम पेस्ट इस पर पेस्ट लिंक करना है सर, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहां से मैंने कॉपी किया, सिंपल कॉपी करना है, सब कुछ पेस्ट स्पेशल में जाके करना है। यहां पे पेस्ट लिंक का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे बस, तो आपका ये पेस्ट होके आ गया। आप यहां देखेंगे ना, ये ऊपर देखेंगे तो A1 दिखा रहा है, इक्वल टू A1, वही कॉन्सेप्ट वही है, बस ये है कि आपको एरिया, आपको आपको ये पता रखने की जरूरत नहीं कि एरिया कितना था, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चेंज करते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी आपसे चेंज हो जाता है साथ के साथ। अब देखिए, अब थोड़ा सा फॉर्मेट करना है मेरे को, तो फॉर्मेट भी मुझे पता है कि मैं फॉर्मेट भी पेस्ट कर सकता हूँ इसके ऊपर, तो मैं पेस्ट स्पेशल में गया और फॉर्मेट से मैंने फॉर्मेट पेस्ट कर दिए। अब कॉलम विड्थ देख रहा हूँ, यहाँ हैश हैश दिखा रहा है, कॉलम विड्थ नहीं है सेट, कॉलम विड्थ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरा लिंक डेटा मेरे सामने आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने जैसे ही चेंज किया, यहाँ भी चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है जी। बट आजकल जमाना है डैशबोर्ड्स का, ठीक है जी, लिंकिंग हो गई पुरानी, अभी भी करते हैं कुछ लोग इसको यूज, पर मोस्टली आजकल यूज होने लगा है एक्सेल में डैशबोर्ड्स। अब डैशबोर्ड में क्या होता है कि एक ही शीट में आपको पूरी कंपनी का डेटा दिखा देते हैं। अब एक्सेल में तो आपको पता है कि आपको, अब यहां मैंने कुछ और कुछ अलग तरीके से लिखना है, तो मुझे डिपेंड किन पे रहना पड़ेगा, इन्हीं कॉलम्स पे, इनकी जो हाइट है, रो हाइट है, ज्यादा तो एडजस्टमेंट कर नहीं सकता मैं। मान लीजिए अब इतना ही बड़ा डेटा है, मुझे सिर्फ इतने में दिखाना है, मतलब इतने एरिया में दिखाना है, ठीक है जी। अब तो अब मैं कैसे करूंगा इसको, मान लीजिए इतने एरिया में दिखाना है, अब हो गई प्रॉब्लम मेरे पास, इससे एरिया है ही नहीं ज्यादा में। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, सब कुछ करेंगे हम कॉपी पेस्ट के जरिए से, ठीक है जी। यहाँ पे होम के अंदर ये पेस्ट का बटन है, होम टैब है अपना, पेस्ट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे जो एरो सी है, तो इसमें आपका पेस्ट स्पेशल यहां से भी चलता है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, एज पिक्चर, तो यहाँ पे एज पिक्चर में तीन ऑप्शन है, कॉपी एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर, तो पेस्ट एज पिक्चर को चूज कर लेंगे। अब क्या हुआ, कॉपी हमने कर ही रखा था, अब ये क्या हुआ, पेस्ट एज अ पिक्चर हो गया, मतलब इसकी बन गई फोटो। तो आप फोटो को तो आप जानते हैं कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ व्यू में जाके ग्रिड लाइन ऑफ कर दें तो किसी को क्या पता पड़ रहा है आपने पिक्चर चिपकाई है, क्या करा है। बट जहां तक के हम बात कर रहे हैं कि डैशबोर्ड के कॉन्सेप्ट्स की, लिंकिंग मैंने बताई और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पिक्चर, जबकि क्या होता है कि इसमें जब आप चेंज करते हैं तो यहाँ चेंजिंग भी नहीं दिखाता, तो डैशबोर्ड का तो फायदा नहीं कोई, ठीक है जी। इस केस में क्या करना है, करना वही है सेम, इस बार भी पिक्चर ही करेंगे,
पर इस तरह की पिक्चर आपने कम देखी होगी। अब पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, एज पिक्चर में सबसे लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे पेस्ट पिक्चर लिंक। अब ये जो पिक्चर होती है आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप इसमें कोई भी कमेंट वगैरह या कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको चेंजिंग साथ के साथ दिखती है। इवन पुराने वाले पिक्चर में अगर आप कलर चेंज करते हैं तो नहीं होता, और इसमें अगर आप कलर भी चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होके दिखाएगा आपको। ठीक है जी, और कोई सवाल इससे रिलेटेड? ठीक है जी, तो आज का ये सेशन इतना ही है, डेमो के तौर पे पेस्ट स्पेशल की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो होगी एक्सेल की सेटिंग्स के बारे में, जिससे हम जानते हैं ना कि एक्सेल में कुछ गड़बड़ हो जाती है कई बार, और वो गड़बड़ क्या होती है कि हमें पता नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो ऐसी गड़बड़ ना हो उसके जो ट्रबल शूटिंग है वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है जी, कई बार क्या हो गया कि इसका कलर चेंज हो गया, कई बार आपका ड्रैग का ही बटन नहीं आ रहा है या ड्रैग करने का नहीं आ रहा है, तो ये सब कैसे डील करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है जी, बाकी कोई क्वेरी हो तो आप फोन करके कभी पूछ सकते हैं। जो भी हमारा सेशन रहता है वो सर वो हमारा रिकॉर्डेड रहता है, आप रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दी जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे थोड़ी देर बाद, मतलब जब मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती रहेगी इसके साथ के साथ क्लास में। आपको मतलब नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख के बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है जी, तो फिर कल मिलते हैं। आज आप फोन पे बात करते हैं अब। ठीक है जी, अभी मैं इसको सेशन को ऑफ करता हूँ।